हाय मोरे राम हे भोले जोगिया सुनने वाले सभी श्रोता बंधुओं से मेरा बहुत बहुत नमन है। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ। मैं गायिका कुमारी सुमित्रा नंदिनी इलाहाबाद प्रयाग की पावन धरती से अखाड़ा स्वर्गीय राम हित सीता राम राम कैलाश यादव, निर्देशक श्री खेमराज यादव, कवि श्री शिव शंकर बिंद सतहरिया जौनपुर से आप लोगों के बीच में ये काशी विश्वनाथ की महिमा एक बिरहा के रूप में प्रस्तुत है। उम्मीद है कि परम यादड़ी परम श्रद्धे श्री प्रकाश यादव मलदहिया वाराणसी के देखरेख में ये कार्यक्रम प्रस्तुत होने जा रहा है, ये बिरहा होने जा रहा है और आप लोग इसको सुनेंगे और हमें आशीर्वाद देने की कृपा करेंगे। एक बिरहा की प्रस्तुति है, एक अनोखी कहानी, एक रहस्यमयी बात, जरा आप लोग गौर से सुनेंगे और आशीर्वाद देने की कृपा करेंगे। काशी नरेश किए विचार, महल से तुरंत हुए तैयार, तो शिकार खेल चली भय जंगल में सरकार। सुने वाले बाबूजी लोग, जरा आप लोग बात के समझ ले बाबा। एक बार काशी नरेश और काशी नरेश का एक परम मित्र बचपन का दोस्त जेकर नाम था यूसुफ, जात के मुसलमान यूसुफ मियां काशी नरेश दोनों जने शिकार खेले बदे चल दिए, घोड़ा पे सवार हो के जब शिकार खेले चल दिए जंगल की ओर। मास्टर साहब कभी को बिरहा में टेरी का भाव देना पड़ा कहना है। Rama 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 Yare More Rama Mitai Kasi Mulla Me Rahi Rama 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 Yare More Rama Mitai Kasi Mulla Me Rahi Rama 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 Yare More Rama Mitai Kasi Mulla Me Rahi Gaile शिकार खेलई वन में पहुँचे जाई मिताई काशी मुल्ला में रही शिकार खेलते खेलते घोर जंगल में पहुंच गए। एक वृक्ष के नीचे काशी नरेश और यूसुफ मियां बैठ गए। काशी नरेश यूसुफ मियां से कहे, मुझे नींद आ रही है, जरा मैं सो लूं अगर आपकी आज्ञा हो तो। यूसुफ मियां कहे, महाराज आप हमार मालिक हैं, आप हमार परम मित्र हैं, आपकी इच्छा अगर नींद आवत है तो आप सो ले। यूसुफ मियां काशी नरेश के बगल में बैठे हैं और काशी नरेश लेट गए पेड़ के नीचे और उनको नींद आ गई, सो गए। यूसुफ मियां भी लेट गए। सुने वाले बाबूजी, जौने पेड़वा के नीचेवा यूसुफ मियां काशी नरेश बैठा है, वही पेड़ के ऊपर एक चकई चकवा का जोड़ा बैठा बा। चकैया चकौना से कह का कह मास्टर साहब, चकई कहन लगी चकवा से पति जी सुनिए ध्यान लगा, सोया राजा पेड़ के नीचे ये कर्म उग गई निराला, चकवा डाटा तब चकई के रानी का गई नो पगला, चकई कहे सुना है दुल्हा हमारी बती
लगा फटकार, चकवा कहै लगा फटकार, काशी और यूसुफ मियाँ लेटे हैं वही पेड़वा के ऊपर चकई चकवा बैठा चकैया चकौना से कहे कहे हे पतिदेव जौन पेड़ के नीचे व्यक्ति लेटा है इसकी मौत बहुत जल्द हो जाएगी। तो चकवा कहे मौत हो जाए मान लिया लेकिन यह है कि इनकर मौत होए कहे। तब चकई बतावा था चकवा से बिरहा में एक लाइन तर्ज लगा मास्टर साहब हमारे हिंदुस्तान के सौधी मिट्टी के पारंपरिक गीत यह है एके हमार माता बहन लोग शादी विवाह के शुभ अवसर पर गावत थी। कैसे गावत थी रच्चे बताए क्या आवत है गीत गाती है आई माई बहनी गीत न कभो पुरान भैव न कभो पुरान होए जब सुनब तब नयन रहे यही बदे कहना है कहवा से आवेला बाबा बिरहावा में भाव चकौना चकैया से कहे ते ब्रह्मा के भाव ही हो गया है जब देखा तब केहू के मौत और जिंदगी के बखान कह दे थू चकई का है सुना जितना कही उतना ही होए और न विश्वास हो तो प्रमाण तो है दे देर देख ली है। तब चकवा कहता चकई से का कहे मास्टर साहब कहवा से आए रानी है दोनों सतिया हो चकई कहे जौन दाहिने तरफ लेटा यहाँ ये हैं काशी नरेश और जौन बाएं तरफ लेटा यहाँ ये हैं काशी नरेश के बचपन के दोस्त यूसुफ मियाँ। तो कहे दोनों जने में से मृत्यु केकर होए चकैया कहे काशी नरेश के चकौना कहे मृत्यु कैसे होए और कब होए तब चकई बताओ जौने दिन राजा के सजी है बरतिया हो वही दीना हो चकवा
से सुन, जौने दिनक काशी नरेश दुल्हा बन के हाथी पर बैठे लगही, उही दिनक काशी नरेश के हथिया ढकेल के अपने पैरवस दबाई दे राजा, उही तरह दबाए के मर जही। जब इतना बात सुन तो चकौना कहे मान ले बच गए, तब चकैया कहे सवाल ही नहीं पैदा बा, चकवा कहे मान ले, हाँ मान ले, अगर बच गए तब तब कहाँ इनकर मौत होए, तब चकैया कहे। एक लाइन तर्ज लगा मास्टर साहब, स्वर्गीय बाबू श्री राम कैलाश यादव एक गावत रहन, हम तो बाबू राम कैलाश न हो जा सुने वाले बाबू जी लोग जरा ध्यान देना, लेकिन प्रयास है कहना है। मास्टर साहब, कौनो तर्ज लिखा जाता तो मन कुछ कारण हो तो कुछ कहानी हो तो कुछ स्टोरी होते, हाँ और एनहन सब तर्ज परमानेंट है, टेम्परेरी न हो, हाँ परमानेंट है। एक ननदी बा एक भौजाई बा, ननदिया के बिया भव गवन नहीं गवा, अरे आधी रात के समय में वो गर्मी में, हाँ गर्मी में ननदिया सोवत है बहरे प्राकृतिक हवा में, भौजैया भीतर सोवता इलेक्ट्रॉनिक हवा में। 12 बजे रात की जब पुरोइया के हवा मरमराए के चला तो ननदिया के मन लगा 80-90 के स्पीड में रफ्तार करे, अरे हाँ 12 बजे रात में जाए कहत, ए भौजी भौजी केवड़िया खोल, ए भौजी केवड़िया खोल, तनी खोल भौजी, हमार मन बहुत गड़बड़ात रहे। हाँ तो ननदिया भौजी से क्या कहता मास्टर साहब, अरे कैसा नाना रतिया डोले, अरे सना नाना रतिया डोले, बाहाई जब पावना तब भौजी सोचिन में जन 12 बजे रात की कौनो चोर आयन का, भौजैया के वार खोले से कहे नंदो तू कहा, हाँ भौजी हम कहा, का भ तबियत वबियत खराब बा का, कही तो है नींद नहीं है, तब ननदिया बड़ा धीरे से हाँ गते से भौजी से कहता, कहे कही दो भौजी भैया जी से, अरे कही दा भौजौ भैया जी से, दई देते निगावना परे। गौने जाए पे दे तो है 12 बजे नींद नहीं आत, ननदिया कहे देख भौजी अपन ये सबको जाने चाहे, तब न भौजैया कहे एक काम कर, तोहर भैया गहन परदेश कमाए धमाए कुछ पैसा वैसा भेज दे, दान दहेज के जमाना बा खाली हाथ जाबू बिना दहेजा के। ननदिया कहे देख भौजी तोर कूड़ा दौरी हमें कुछ न चाहे, भौजैया कहे तब लेबू का, तब ननदिया बतावता चाहे का, दुई चीजिया हम के चाहिए, चौका बेलना लेके जाबू, आजकल के सासु ननद कुल हाइब्रिड हो गए हैं, देखी कहीं आई गए
सब भौजैया से ननदिया मजाकिया अंदाज में कहता कहे लोई कटत गल हीले बेलत की कंगनवार। सुनने वाले श्रोता सज्जन आप लोग तो बहुत सुने हैं, दादा ढेर कुछ गाए हैं, हमसे तो न लहे पहले ही बता दी है, लेकिन बिरहवा में भाव है। अरे चकवा से चकई चकवा से चकई कहई लागी तब बायनावा। सुफ न हो चकैया कह सुनय अगर वह दरे बच जाही काशी नरेश तो ससुरारी जही बियाह कह के दुल्हन घरे लिए ही। आ जैसे सुहाग रात के रसम पूरा करे बदे शयन कक्ष में जाय लगी, वैसे जैसे दरवाजा के सामने पहुंची दरवाजा गिर जाए काशी नरेश उही के तरह दबाए के मर जाए ही। चकौना कहे मान ले वहू से बच गए तब, चकैया कहे न बचन तब कहे मान ले बच गए तब। चकई कहे अगर वहूँ से बच जही तो बारह बजे रात में जब राजा रानी सो जही गहरी नींद में एक नागिन आए राजा के डस ले राजा मर जाये। चकौना कहे धीरे बोल के सुनत होए तब रे। चकैया कहे जे सुनत होए राजा से बताय न पाए, कहे 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 राजा से अगर बताय दे तो हमार श्राप बा कि वो बतौते मान पत्थर हो जाए। आई सारी बात यूसुफ मियाँ लेटे लेटे सुन रहे हैं। तब चकवा कहे मान ले वो पाथर हो जाए दोबारा इंसान कैसे बने होकर बाल बच्चा कहाँ जाई। चकई कहे अगर रानी साहिबा के कोक से जवन लड़िका पैदा होए काशी नरेश उ लड़िका के अपने हाथे से वही प्रतिमा पर बलि चढ़े ही तब जाए के वो पत्थर से इंसान दोबारा बनेगा। आई सारी बात यूसुफ मियाँ सुन लिहन। आ जब सुन लिहन तब तक काशी नरेश के नींद खुली, कहाँ यूसुफ मियाँ चले कहाँ हाँ महाराज चले। पहुँचे महल में समय बीतता गया बाबूजी, उ दिन आएगे जब काशी नरेश के बियाह परा दुल्हा बन के हाथी पर बैठे बरे पहुँचन तब से यूसुफ मियाँ पहुँचन काशी नरेश के चचुरवे पकड़ के खींच लिहन खींच लिहन। अदन्न से अपने चढ़ के हथिया पर बैठ गयन काशी नरेश बिगड़ गयन की आ यूसुफ बियाह हमार हो चढ़वा तू। यूसुफ मियाँ कहे महाराज गलती होगी थोड़ा मजाक कर लिया माफ करे दूसरी गलती न हो। काशी नरेश कहे अच्छा अब तो उतरो मुझे बैठने दो। यूसुफ मियाँ उतर गए काशी नरेश हाथी पर बैठन, समय टल गई राजा की मौत टल गई। गए शादी कई के दुल्हन घरे लिया दिन तबीत गए खुशी खुशी। आ जब संझा जाय लागे शयन कक्ष में चितसारी में जाय लागे यूसुफ मियाँ पाछे लाग लगा है। जैसे ही दरवाजा के सामने पहुँचे थे वैसे ही यूसुफ मियाँ पहुँचे काशी नरेश के ढकेल के अपने वो लिया गए भीतर। काशी नरेश बिगड़ गए कि आ यूसुफ दुल्हन हमारा गोल्डन नाइट तू मने बे भाई। यूसुफ मियाँ जब इतनी बतिया सुने कहा महाराज तनी मजाक कर लिया माफ कर दो मालिक तीसरी गलती। अच्छा बाहर आओ। जब यूसुफ मियाँ बाहर आन काशी नरेश अंदर गए और रानी साहिबा के चाँद जैसन चेहरा देख के दरवाजा बंद कर बिसर गए। रानी साहिबा राजा साहब कहती देखत हैं, राजा साहब रानी साहिबा कही देखत हैं।
और दोनों एक दूसरे के नजर से नजर मिला के देखत हैं, उनकर लोग के सुध बुध हेरा गई बा, के आवत के जात कौनो था पता। यही बीच में यूसुफ मियाँ पाई गए मौका और गैन पलंग के नीचे घुस के बैठ गए। बैठना ज्ञान वही ओलर ज्ञान कहे जवन आ गया है देखा हम। हाँ, हमार सूरदास मास्टर साहब वीडियो कैमरा करत रहे भैया हो, बिरहा में भाव दिया गया, लेकिन यूसुफ मियाँ के जात राजा साहब नहीं देखें, राजा रानी के देखत हैं, उनके सुंदरता का वर्णन करते हैं। कभी को लिखना पड़ा एक लाइन बड़ी बेजोड़ तर्जबा मास्टर साहब, कहना है एक ही कौन लड़किया रहा है। हाँ, एक ही लड़की देख के कहे का कहे भैया कहे हंस के तू देखा जे एक बेरिया, हंस के तू देखा जे एक बेरिया, हम मरी मरी जाई तोहार क्रिया, वर्णन करत हैं और कहत का है ये रानी से राजा कहे ले बतिया, तो रानी से राजा कहे ले बतिया, आज कैसे सुहगवा के कटी रतिया, रानी के लिहले उगरवा लगाई, तो रानी कहाँ है तोहरी जीवन सखिया, हे रानी कहाँ है तोहरी जीवन सखिया, आज कैसे सुहगवा के कटी रतिया, बतियावत बतियावत काफी समय बिताए दिहेन और तब तक रानी साहिबा के नजर वही दरवाजा पड़ी, कहे महाराज पहले दरवाजा बंद कैले नहीं के आए जाए, महाराज देखे तो बहुत हंसे, मोहब्बत फीका पड़ जाए। हाँ भैया, वह राजा साहब तुरंत दौड़ के गए दरवाजा बंद किए, राजा रानी पलंग पे बैठे प्रेम भरी बात चलता और नींद आई गई, दोनों प्राणी सोई गए गहरी नींद में। आ जब सोई गए तो जैसे ही 12 बजे वाला बा, कुछ ही मिनट बाकी बा, तब तक बाबूजी एक घटना घटी। कौन घटना घटी? बिरहा में एक लाइन तर्ज बा मास्टर साहब, कबो कबो स्वर्गीय बाबा श्री रामदेव यादव जी गावा करते रहे, कैसे गावे जरा कहना है। अरे गोरिया रे गोरिया रे बिझुरियो कहवा गिरी, अरे रस से भरल गगरिया कहवा गिरी, गोरिया रे गोरिया रे बिझुरियो कहवा गिरी। लेकिन बिरहा में भाव है, कहना है। अरे यूसुफ लिए तलावरिया पहुंची गए, यूसुफ लिए तलावरिया पहुंचे गए, राजा सोए से जरिया पहुंची गए, राजा सोए से जरिया पहुंची गए, यूसुफ यूसुफ लिए तलावरिया पहुंची गए, यूसुफ लिए तलावरिया पहुंचे गए, यूसुफ लिए तलावरिया।
समैया तब चलली नगिनिया काटली यूसुफ नागिन के घर दनिया है। तब तक एक नागिन फुफकारते हुए चली आए के राजा के सीना पर फन फैलाए के खड़ी हो गई। अब बार बार घड़ी के तरफ देखा था, बार बार समय देखा था कि जैसे 12 बजे वैसे राजा का डस ले, राजा मर जाए ही ब्रह्मा के लेखनी सत्य हो जाए। और तब तक यूसुफ मियां तलवार लेके निकल गए तेरे नागिन के, तू का तोहर ब्रह्मा सोए में आई जाए। जब तक हम जिया थे तब तक राजा का क्यों बाल बांका नहीं कह सकत। वह म्यान से तलवार निकारन, तलवार खींच के मार दिए, दुई खंड हो गए बाबूजी। नागिन के धड़ सर से अलग हो गए। आज जब सर से धड़ अलग हो गए तो जैसे झटका में मारे यूसुफ मियाँ, और वैसे झटका में एक बूंद खून का छीटा सो रही रानी के होठ पर जाकर के गिर गया। तब यूसुफ मियाँ सोचने लगे कि ए मालिक, ये तो गजब हो गया। अगर रानी साहिबा की नींद खुल जाएगी और अपने जीव से अपन होठ चाट ली है तो एक बूंद बिसैली नागिन का विष रानी साहिबा की जिंदगी ले लेगा, तो मेरे त्याग और तपस्या का मतलब क्या निकलेगा। राजा रानी दुई जने में से एक जने अगर मरिए जाइए तो मेरे त्याग और तपस्या का क्या मतलब निकलेगा। तो मैं जब तक जिंदा हूँ तब तक इनको मरने नहीं दूंगा। अपने धर्म को बचाते हुए, सम्मान का ध्यान रखते हुए, मर्यादा को बचाते हुए यूसुफ मियाँ तलवार के नोक से रानी साहिबा के होठ पर गिरा हुआ खून पोंछ दिए। और जब खून पोंछ दिए बाबूजी, तो ज्यों ही तलवार का स्पर्श हुआ त्यों ही रानी साहिबा की नींद खुल गई। रानी साहिबा देख रही है यूसुफ खड़े हैं, यूसुफ के हाथ में तलवार, तलवार में खून लगा है, घबरा गई। अब मारे डर के मारे राजा साहब को जगाने लगी। और जब राजा साहब उठे नी नजारा देख के घबराए गए, कहा यूसुफ तेरी इतनी बड़ी हिम्मत कि तू यहाँ तक पहुँच गया, एक बात बता, दरवाजा तो बंद है, तू यहाँ आया कैसे और क्यों आया। मिठाई खाए बदे आए हैं भैया हो। जब इतना बतिया सुने यूसुफ मियाँ, कहा महाराज नाराज जिन हो, नाराज जिन हो सरकार, हम कोनो गलती नहीं किए, कोनो अपराध नहीं किए है, कैसे आए ई छोड़े, काहे आए ई पूछे, कहा काहे आई है, कहा जरा एक नजर फर्श पर डालिए। अजय फर्श पर देख रहे हैं बाबूजी, तो नागिन के सर अलग, धड़ अलग बा। तब तो काशी नरेश घबराए लगे, ये क्या है। तब यूसुफ मियाँ कहा महाराज हमारे गलती क्षमा की है, अगर हम न हो तो नागिन तुह डस ले, तू मर जाता, रानी साहिबा विधवा हो जाती। जब इतना बतिया सुने राजा साहब, कहा तुमको कैसे मालूम कि नागिन आएगी मुझे डस लेगी मैं मर जाऊंगा। यूसुफ मियाँ कहा महाराज क्षमा की है, ये हम आपको नहीं बता सकी। कहा क्यों, कहा अगर मैं बताऊंगा तो पत्थर हो जाऊंगा। इतना बात जब सुने, कहा पत्थर हो जाए चाहे पानी, ऐसे हमसे मतलब नहीं, मैं केवल कारण जानना चाहता हूँ, तुम्हें कैसे मालूम कि नागिन मुझे डस लेगी मैं मर जाऊंगा। जब राजा जिद करने लगे तो तीन हठ बहुत बेकार होते, राज हठ, बाल हठ, तिरिया हठ। जब राजा जिद करने लगे तब रानी साहिबा कहा यूसुफ भैया एक बात बताओ, अगर तोहके ही मालूम बा कि 12 बजे रात में नागिन आए राजा के डस ले, राजा मर जाए, कहें बिल्कुल, कहा बताई देवा हकीकत, पाथर हो जावा कहा अवश्य,
कहा तो यह मालूम हो भैया कि अगर तू पाथर हो जाब तो दोबारा इंसान कैसे बनब। तब यूसुफ मियाँ कहे रानी साहिबा बड़े दुखदाई बात होगी हो, शायद एक माँ के लिए असंभव है। रानी साहिबा कहा यूसुफ भाई आपने जो मेरे लिए किया है, मेरे सुहाग को बचाया है अपने जान पर खेल करके, उसके बदले में अगर मेरी जिंदगी आपके काम आ सके तो आप बता दीजिए, मैं हंसते हंसते आपके लिए अपने जीवन को कुर्बान कर दूंगी। तब यूसुफ मियाँ कहे कि रानी साहिबा अगर हम पत्थर हो जाब तो आपके कोख से चाहे बिटिया हो चाहे बेटवा, वो लड़का के बलि अपने हाथे से स्वयं काशी नरेश मेरी प्रतिमा पर चढ़ाएंगे, तब जाकर के मैं दोबारा पत्थर से इंसान बनूंगा। राजा साहब कहें अब तो बता दो। यूसुफ मियाँ कहें महाराज बताओ लेकिन यहाँ। कहें कहाँ बताऊंगा, कहें तोहरे रात दरबार में। रात बीती सुबह हुई दरबार लगा, खचा खच दरबार भरा है, देखने वालों का तांता लगा हुआ है। काशी नरेश राज सिंहासन पर बैठे, आदेश दिए कि यूसुफ मियाँ अधूरी कहानी को पूरी करो। तब यूसुफ मियाँ भरे दरबार में सबके समक्ष बताते हैं, जैसे ही चकई चकवा की बात करना प्रारंभ किए वैसे ही बाबूजी एक घटना घटी। क्या? वो कौन सी घटना घटी, बिरहा में एक लाइन तर्ज है मास्टर साहब कहना है। अरे अब ना मिली ए भैया, अब ना मिली ए पंचो, अब ना मिली जे कर मर गई माँ। माता पिता भाई बहन ये चार चीज अगर एक बार दुनिया छोड़ दीहन बाबूजी तो ये चारों को प्यार प्रेम कभी नहीं मिल सकता। धन दौलत बहुत मिल जाए, महल अटारी बहुत बनवाई लेब कमाई लेब, अगर ये औरत खत्म हो जाए दूसरे औरत भी मिले, मर्द खत्म हो जाए दूसरे मर्द भी मिल सकत है, लेकिन महतारी बाप भाई बहन अगर ये धरती छोड़ दें तो दोबारा फिर चारों के दर्शन न होए कहना है बाबूजी। बिरहा में भाव दिया गया। अरे बन गए पथरा ए भैया, बन गए पथरा ए बाबू, बन गए पथरा बताया यूसुफ जब कहानिया, बन गए पथरा यूसुफ मियाँ चकई चकवा की कही हुई सारी बात सही सही दरबार में बताए दिए। जैसे ही यूसुफ मियाँ के मुख से ये बात समाप्त हुई वैसे ही चकई का श्राप लग गया, यूसुफ मियाँ इंसान से पत्थर हो गए। हाहाकार मच गया, हाहाकार मच गया बाबूजी। यूसुफ मियाँ को पत्थर बनते देख काशी नरेश अपने राज सिंहासन से उठ करके खड़े हो गए और भगवान भोलेनाथ की सौगंध लेते हुए, अपने राज दरबार की सौगंध खाते हुए कहा कि मैं अपने राज सिंहासन का सौगंध खाता हूँ, मेरा दोस्त यूसुफ मेरी जिंदगी बचाने के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा दिया, तो रानी साहिबा के कोख से जो भी पहली संतान पैदा होगी मैं उसकी बलि स्वयं अपने हाथों से इसी प्रतिमा पर चढ़ाऊंगा और अपने दोस्त को पुनः जीवन दान दूंगा और ये यश युग युगांतर तक लोग गाते रहेंगे। इतना बात कह करके ये काशी नरेश राज सिंहासन से उठ गए और महल की ओर चल दिए। समय अपनी गति से बढ़ता गया। हुआ क्या, बीता समय कुछ दिन प्रेम से जब भइले संतान, रानी राजा से कहे लगी दई द पिया बलिदान,
अब पूरा कह देता बचनिया बन गए पथरा। भगवान के कृपा भय, मालिक के कृपा भय, सदगुरु के कृपा हुई बाबूजी, रानी साहिबा गर्भवती हुई, 9 माह के बाद एक बच्चे को जन्म दिया, पुत्र की प्राप्ति हुई। और जब पुत्र रत्न पैदा हुआ बाबूजी, तो रानी साहिबा अपने राजा साहेब के हाथ में अपने लड़का के दई के कहे, हे महाराज जा ई लड़का के बलिदान दई के यूसुफ मियाँ के पत्थर से इंसान बनाई दे, अपने महानता का परिचय दे। क्या बात है? जब इतना बात सुने काशी नरेश, ते लड़कवा के लेके खिलावे लागे। हाँ, लड़का हिला के खिलाए जाते हैं, ट्रेनिंग दे हैं भाई। लड़कवा जब खिलावे लागे, ते काशी नरेश के मोह पैदा हो गए। रानी साहिबा कहे, रानी साहिबा एक बात कही, कहे हाँ स्वामी जी, कहे अगर मैं जिंदा रहा, सुने वाले श्रोता बंधु गौर करेंगे, एक राजा हो करके, एक प्रजा के पालक हो करके ऐसी बात बोल रहे हैं। काशी नरेश कहे, रानी साहिबा अगर मैं जिंदा रहा, मेरा राज सिंहासन बरकरार रहा, तो यूसुफ जैसे हजारों दोस्त मिलेंगे। क्या बात है? लेकिन अगर एक बारी लड़का को बलिदान दे दे भाई, तो पता नहीं फिर तोहरे कोखी बेटवा होई कि ना हो। अगर बेटवा न भय, तब तो हमारा राज सिंहासन सोना रह जाए एक बारिश के बगैर। क्या बात है? जब ये तना बात सुनिन रानी साहिबा कहे, महाराज इका कहत है ना आप, ऐसा न करे महाराज, आप तो धर्मात्मा राजा हैं, वो काशी नगरी के राजा के मुहे से ऐसा बात अच्छी नहीं लगत। काशी नरेश कहे, बलि नहीं दूंगा, तो नहीं दूंगा। जब इनकार कह दिए, जैसे ही काशी नरेश के मुख से ये इनकार शब्द निकला, ना का शब्द निकला, वैसे ही हाहाकार मच गया। और जब हाहाकार मच गया तो हुआ क्या, कहना है अरे ही लई लागी काशी हसल सती के ठठरिया, अरे बाबा विश्वनाथ धसे जमी के भीतरिया, जे का जाने सारी दुनिया बन गए पत्थर। यूसुफ मियां पत्थर बने हैं बाबूजी, और काशी नरेश के मन में इतना बड़ा कुविचार, जिसकी जिंदगी बचाने के लिए एक इंसान अपनी जिंदगी दांव पर लगा दिया, दोस्ती का हक अदा कर दिया। लेकिन जब काशी नरेश बलिदान देने से इनकार कर दिए, तो पूरी की पूरी काशी नगरी डगमग करने लगी, हिलने लगी। और जब काशी नगरी डगमग होने लगी, तब रानी साहिबा के मन में विचार आया कि लगता है भगवान कोप गए हैं, भगवान ऋषि आ गए हुआ। रानी साहिबा अपने मन में विचार करने लगी कि मैं अपने एक बच्चे के खातिर हजारों बच्चों की कुर्बानी नहीं दे सकती। ये बात रानी साहिबा ने इसलिए कहा क्योंकि एक प्रजा के, एक राजा के नजर में उसकी प्रजा संतान के समान होती है। रानी साहिबा अपने बच्चे को राजा साहब के हाथ से छीन लेती हैं और ले जा करके यूसुफ मियाँ के प्रतिमा पर बलिदान देने के लिए बैठती है। तब तक काशी नरेश को चटकना लगा। काशी नरेश रानी साहिबा के हाथ से दौड़ करके बच्चे को छीन लिए कि नहीं रानी साहिबा, मैं एक राजा होकर के वादा दिया, वचन दिया, मैं पुरुष होकर के अपने वचन से मुकर गया, लेकिन आप स्त्री होकर के मेरा दिया हुआ वचन निभाने जा रही हैं, धिक्कार है मुझ जैसे राजा पर। वही बाबूजी काशी नरेश अपने बच्चे को अपने हाथ में लिए और यूसुफ मियाँ के प्रतिमा पर बाबूजी अविलंब अपने उस बच्चे का गर्दन जब काटने लगे, जब बच्चे की बलि देने लगे बाबूजी, तो चीख चीतकार से पूरा का पूरा काशी नगरी हिल गई। मासूम बच्चे के खून का छींटा ज्यों ही यूसुफ मियाँ के प्रतिमा पर पड़ा, यूसुफ मियाँ पत्थर से इंसान बन गए। काशी नगरी इसलिए हिल रही थी, बाबा विश्वनाथ इसलिए जमीन में धसने लगे, उन्होंने कहा कि आ राजा
यही काशी नगरी है जहाँ पर सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र इसी बरुड़ा नदी के किनारे उनका तिनका तिनका बिक गया, लेकिन अपने सत्य से विमुख नहीं हुए, अपने सत्य के मार्ग से नहीं हटे। अंत में उनको 33 कोटि देवताओं का दर्शन मिला, उनका राजपाट उन्हें वापस दिया गया। तुम तो इस काशी नगरी के मालिक हो, तुम तो राजा हो, मालिक के अंदर इतनी बड़ी दुर्भावना है तो वहाँ की प्रजा कैसे सुखी रहेगी। माँ सती की ठठरी हंसने लगी कि ऐ राजा, आज मैं हंस रही हूँ, कल सारा जमाना हंसेगा, तेरी जग हंसाई होगी राजा। तू बड़ा कायर है, बड़ा निष्ठुर है राजा। और यूसुफ मियाँ जब पत्थर से इंसान बन गए तो कहने लगे कि हे भोलेनाथ, हे देवा के देव महादेव, मैं यूसुफ अगर सच्चे हृदय से अपनी दोस्ती को निभाया हूँ तो आप इस बच्चे को जिंदा कर दीजिए, इस माँ का आंचल हरा भरा हो जाए, इसके बदले में चाहे आप मेरी जिंदगी ले लीजिए। यूसुफ मियाँ की भक्ति निष्ठा देख करके भगवान भोलेनाथ माता पार्वती प्रकट हुए और अमृत बूट टपका करके उस बच्चे को जीवित कर दिए। माई का सोना आंचल फिर से हरा भरा हो गया, अरे वाह, माँ का सोना आंचल हरा भरा हो गया। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि धन्य हो यूसुफ, दोस्ती हो तो तुम्हारी जैसी हो। इसीलिए सकल समाज के लिए कहना है क्या? कि दोस्ती में एक दोस्त दूसरे दोस्त का खुदा होता है। सुने वाले बाबूजी, दोस्ती करना आसान है लेकिन दोस्ती को ताउम्र निभा देना ये एक महानता है। दोस्ती में एक दोस्त दूसरे दोस्त का खुदा होता है, और दोस्त की याद तब आती है जब दोस्त दोस्त से जुदा होता है। आए खुदा, अपनी भी अदालत में मेरी भी एक अमानत रखना, मैं रहूं या न रहूं इस जहां में मेरे दोस्त को सलामत रखना। भगवान भोलेनाथ आशीर्वाद दिए कि धन्य हो यूसुफ, एक दोस्ती द्वापर युग से मिलती है बाबूजी, कृष्ण और सुदामा जी की। दो मुट्ठी चावल के बदले दो लोक राज दे दिए, जैसे हमारे बाबूजी श्री बनवारी लाल यादव जी नेताजी के पूरे बिरहा जगत के बिरहियन से बड़ी गहरी मित्रता है। बाबू श्री शिव मूर्त यादव जी, बड़े भाई श्री आनंद यादव जी, परम यादड़ी श्री प्रकाश मलदहिया वाराणसी, कमलेश वर्मा जी, सभी से बड़ी परम मित्रता है बाबूजी। और मित्र वही होता है जो मित्र के गिरे वक्त में काम आए, उसको सहारा दे। इतना बात कह करके जब भगवान भोलेनाथ माता पार्वती अलक्ष हो गए, वहीं से एक प्रमाण मिला कि जिस समय काशी नगरी हिल रही थी उसी समय हिलते हिलते काशी नगरी थोड़ा सा करवट हो गई, थोड़ा सा करवट हो गई। आज भी मणिकर्णिका घाट के आगे जब आप जाने लगेंगे वहीं से काशी नगरी थोड़ी सी टेढ़ी है, आज भी ये प्रमाण मिलता है। और आज भी बाबा विश्वनाथ जमीन में धसे हुए हैं। क्या बात है? ये काशी नगरी जो करवट हुई है, जो बाबा विश्वनाथ जमीन में धसे हुए हैं, ये इस कहानी के गवाहीकार है बाबूजी। क्या बात है? जिस कहानी को आप लोगों के बीच में प्रस्तुत किया जा रहा है, आखिरी और अंतिम प्रमाण में कहना है कि एक दोस्त का कर्तव्य होता है कि आखिरी दम तक अपने दोस्त की सहायता करे, सच्चे निष्ठा और प्रेम से दोस्ती को निभाए। क्या बात है? आखिरी और अंतिम प्रमाण में गुरु घराने के परिचय के साथ में कहना है, कबीर वो पी यादव कहा कि जय हो भोलेनाथ, नाम अमर है राम कैलाश का कहते शोभनाथ, हरे राम मिताई काशी मुल्ला में रही, तो नंदनी खे महाराज से का कोई हाथ मिलाई, मिताई काशी मुल्ला में रही, जिंदगी